हेलो एवरीवन वेलकम टू वी साइंस एकेडमी सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज आई पी एस सी नॉम क्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ ओके तो यहाँ पर मैंने पहला एग्जांपल लिया है ओके okay? इस एग्जांपल में आपको सबसे पहले पहचानना है कि कॉम्प्लेक्स ऑप्शन कहाँ पर प्रेजेंट है ओके okay? तो उससे पहले हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी तो यहाँ पर देखिए ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो सेवन कार्बन की चेन इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं ओके देन नेक्स्ट अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते कार्बन चैन को कितने कार्बन की चैन मिलती one, two, three, four, five, six, है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सिक्स कार्बन की चैन ओके देखे अगर हम यहाँ से काउंट कर लेते तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये भी है सिक्स कार्बन की चैन ओके okay, तो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चैन कौन सी है ये वाली जो सेवन कार्बन की चैन है ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स ऑप्शन कहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर देखिए इस लॉन्गेस्ट कार्बन चैन से यहाँ पर एक ब्रांचिंग हुई है इस ब्रांचिंग से भी एक फर्दर ब्रांचिंग है ठीक है जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से ब्रांचिंग हो उस ब्रांचिंग से भी ब्रांचिंग हो तब हम क्या बोलेंगे इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिडेंट तो ये रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स सबस्टिडेंट ओके तो उससे पहले हम इसे नंबरिंग देते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को तो हम नंबरिंग दे देंगे फर्स्ट कार्बन सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन ओके सेवन कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ओके okay, हमने नंबरिंग यहाँ से क्यों की बिकॉज आप नंबरिंग यहाँ से करते हो तो यहाँ पर देखिए फोर्थ पोजिशन पर कॉम्प्लेक्स ऑप्शन प्रेजेंट है ओके okay, अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो तो यहाँ पर देखिए काउंट कर लेते हैं इसे हम देंगे नंबर वन कार्बन टू थ्री फोर ओके अगर आप नंबरिंग लेफ्ट से करते हो तो भी फोर्थ पोजिशन पर ही आपका कॉम्प्लेक्स ऑप्शन आ रहा है ठीक है तो आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो ओके देन नेक्स्ट अभी हमको इस कॉम्प्लेक्स ऑप्शन की आई पी एस सी नेमिंग करनी है ओके okay, तो यहाँ पर एक रूल होता है आपको इस कॉम्प्लेक्स ऑप्शन में उस कार्बन को नंबर वन कार्बन देना है जो डायरेक्टली मेन चेन से अटैच है ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये वाला कार्बन डायरेक्टली इस मेन चेन से अटैच है तो इसको देंगे हम नंबर वन कार्बन ओके और ये रहेगा सेकेंड कार्बन ओके मतलब इस कॉम्प्लेक्स ऑप्शन में ये रहेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ओके कॉम्प्लेक्स ऑप्शन में ये रहेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फर्स्ट कार्बन पर यहाँ पर एक सब्सूंट अटैच है डैट इज मिथाइल ग्रुप ओके तो नेमिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे जो भी आप कॉम्प्लेक्स सब्शन की नेमिंग लिखते हो उसे आपको ब्रैकेट में लिखना है ओके okay, तो फर्स्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर यहाँ पर हम लिखेंगे वन मिथाइल ओके और यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में दो कार्बन है तो रूटवर्ड क्या रहेगा इथ ओके और ये एक सब्सिट्यूएंट है ओके okay, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा वाइल ओके okay, और यहाँ पर आपको याद रखा है जो भी आप कॉम्प्लेक्स ऑप्शन की नेमिंग करते हो उसका पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल होना चाहिए ओके नेक्स्ट इस होल कंपाउंड की नेमिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर फोर्थ पोजिशन पर आपका कॉम्प्लेक्स ऑप्शन प्रेजेंट है ओके okay? तो यहाँ पर हम नेमिंग करेंगे डैट इज़ फोर ओके देन जो भी कॉम्प्लेक्स ऑप्शन की नेमिंग मिली है वो हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे डैट इज़ वन मिठाई लिथाई ओके देन यहां पर देखिए इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सेवन कार्बन है तो अलगेन क्या रहेगा हेप्टेन नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल ओके तो यहां पर देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये रहेगी आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ओके okay. इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से यहां पर एक ब्रांचिंग हुई है ओके okay, इस ब्रांचिंग से भी फर्दर ब्रांचिंग है तो ये रहेगा हमारा कॉम्प्लेक्स ऑप्शन ओके तो यहाँ पर इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम नंबरिंग दे देते दे हैं तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ पोजिशन पर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑप्शन प्रेजेंट है अगर मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग देती हूँ सो वन टू थ्री फोर फाइव तो भी फिफ्थ पोजीन पर ही आपका कॉम्प्लेक्स ऑप्शन आ रहा है ठीक है तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो मैं नंबरिंग कर देती हूँ राइट हैंड साइड से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके तो ये है नाइन कार्बन की चेन ओके देन नेक्स्ट इस कॉम्प्लेक्स ऑप्शन की नेमिंग करनी है हमको जिसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं ओके okay? तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन को हम नंबर वन कार्बन देंगे बिकॉज ये डायरेक्टली मेन चेन से अटैच है ओके okay? तो ये हो जाएगा नंबर वन कार्बन दिस इज सेकेंड दिस इज थर्ड कार्बन ओके मतलब ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ओके देन यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ओके okay? तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई पी एस सी नेमिंग डैट इज़ वन कॉमा टू डाई मिथाइल यहाँ पर कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में थ्री कार्बन है तो अल्काइल क्या रहेगा प्रोपाइल ओके देन नेक्स्ट इस होल कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पे आपका कॉम्प्लेक्स ऑप्शन प्रेजेंट है ओके okay? तो यहाँ पर हम नेमिंग करेंगे डैट इज फाइव सबसे पहले हम पोजीशन मेंशन करेंगे फाइव ओके देन कॉम्प्लेक्स ऑप्शन लिख देंगे जो भी नेमिंग मिली हमें डैट इज वन कॉमा टू डाई मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं नाइन तो अल्केन क्या रहेगा नोनेन नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल ओके तो यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं okay? ओके तो ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ <laughs> ओके देन नेक्स्ट हम नंबरिंग करेंगे तो okay, ओके तो हमको नंबरिंग कहाँ से करनी है जहाँ से मेरे इस सबस्टूडेंट को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले ओके okay, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर थ्री नॉर्मल सबस्टूडेंट है और एक कॉम्प्लेक्स सबस्टूडेंट है ओके okay, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं नंबरिंग करती हूँ साइड से डैट इज़ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके तो ये टेन कार्बन की चेन तो यहाँ पर देखिए तो सब्सिटेंट कौन कौन से पोजिशन पर आ रहे हैं थ्री थ्री पर नॉर्मल सब्सिटेंट है फोर्थ पर एक नॉर्मल सब्सिटेंट है और एक कॉम्प्लेक्स ऑब्सटेंट है ठीक है सो फोर कॉमा फोर देन सेवन ओके ये हमें नंबरिंग मिल रही है ओके okay, ये हमारे पोजिशन मिल रहे हैं जब हम नंबरिंग कर रहे हैं टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड okay, ओके अगर हम नंबरिंग करते हैं राइट से तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन दिस इज सेकंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ ओके मतलब फोर्थ पर एक नॉर्मल सब्सटेंट प्रेजेंट है देन दिस इज फाइव सिक्स और सेवन पर एक नॉर्मल सब्सटेंट है और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट है देन एट पर एक नॉर्मल सब्सटेंट है ठीक है तो दोनों में से लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा दिख रहा है थ्री फोर फोर सेवन ओके इसलिए हमने नंबरिंग कहाँ से की टुवर्ड दी लेफ्ट हैंड साइड ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये है कॉम्प्लेक्स सब्सटैंड ओके बिकॉज यहाँ पर एक ब्रांचिंग हुई है इस ब्रांचिंग से भी फर्दर ब्रांचिंग है ओके okay, नेक्स्ट इसे हम नंबरिंग दे देंगे तो इस कार्बन को देंगे नंबर वन कार्बन बिकॉज ये डायरेक्टली मेन चेन से अटैच है तो ये हो जाएगा नंबर वन कार्बन दिस इज सेकेंड कार्बन ओके मतलब कॉम्प्लेक्स ऑप्शन में ये रहेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है दो सॉप्शन प्रेजेंट है ओके okay, तो नेमिंग कैसे आ जाएगी यहाँ पर वन कॉमा वन डाई मिथाइल ओके okay, यहाँ पर मैंने वन वन टू टाइम्स क्यू लिखा है बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे टू टाइम्स मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए हमने वन वन को टू टाइम्स रिप्रेजेंट किया है ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं टू तो अल्काइल क्या रहेगा इथाइल ओके okay, ये हुई हमारे कॉम्प्लेक्स ऑप्शन की नेमिंग ओके okay? इस होल कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो यहाँ पर फोर्थ पोजिशन पर कॉम्प्लेक्स ऑप्शन प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम मैंशन करेंगे फोर्थ पोजिशन ओके देन कॉम्प्लेक्स ऑप्शन की नेमिंग लिख देंगे एज इट इज दैट इज वन कॉमा वन डाई ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए थ्री फोर्थ और सेवन्थ पोजिशन पर नॉर्मल सब्शन प्रेजेंट है तो उसे भी हमको मैंशन करना है ओके okay? तो यहाँ पर थर्ड पोजिशन पर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है फोर्थ और सेवन्थ पोजिशन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ओके okay? तो दोनों में से सबसे पहले हम किसे मैंशन करेंगे यहाँ पर ओके okay? तो यहाँ पर क्या है इथाइल और ये है मिथाइल मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है ई आता है फिर एम आता है इसलिए सबसे पहले हम इथाइल को मैंशन करेंगे देन मिथाइल को ओके तो थर्ड पोजिशन पर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम लिखेंगे थ्री इथाइल देन नेक्स्ट फोर्थ और सेवेंथ पोजिशन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है सो फोर कॉमा सेवन डाई मिथाइल ओके देन नेक्स्ट इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है टेन कार्बन है तो अल्केन क्या रहेगा डेकेन ओके यहाँ पर मैं नीचे लिख देती हूँ डेकेन ओके नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल ओके तो यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की है ओके okay, तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे टूअर्ट दी राइट हैंड साइड ओके बिकॉज अगर हम नंबरिंग राइट right से करेंगे तो ही मेरे इस कॉम्प्लेक्स ऑप्शन को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा ओके okay, तो मैं नंबरिंग दे देती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व ओके तो ये है ट्वेल्व कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फिफ्थ पोजीशन और सेवंथ पोजीशन पर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑप्शन प्रेजेंट है ओके okay? मतलब इस कंपाउंड में दो कॉम्प्लेक्स ऑप्शन प्रेजेंट है ओके okay? तो सबसे पहले हमको कॉम्प्लेक्स ऑप्शन की आई पी नेमिंग करनी है ओके okay? तो यहाँ पर देखिए जो सेवेंथ कार्बन पे कॉम्प्लेक्स ऑप्शन प्रेजेंट है पहले हम उसकी आई पी नेमिंग करते हैं ओके okay? तो यहाँ पर देखिए ये वाला कार्बन डायरेक्टली इस मेन चेन से अटैच है ओके okay? तो इसे देंगे नंबर वन कार्बन दिस इज सेकेंड कार्बन दिस इज थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ कार्बन ओके मतलब कॉम्प्लेक्स ऑप्शन में ये रहेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ओके okay, अभी यहां पर देखिए सेकेंड कार्बन पर यहां पर एक सप्शन प्रेजेंट है डैट इज मिथाइल ग्रुप ओके तो इसकी नेमिंग कर लेंगे डैट इज टू मिथाइल यहां पर कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में फोर कार्बन है तो अल्काइल क्या रहेगा ब्यूटाइल ओके देन नेक्स्ट यहां पर देखिए जो फिफ्थ कार्बन पे कॉम्प्लेक्स ऑप्शन प्रेजेंट है उसकी नेमिंग कर लेते हैं ओके okay? तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली इस मेन चेन से अटैच है तो इसको दे देंगे नंबर वन कार्बन दिस इज सेकेंड कार्बन दिस इज थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ कार्बन ओके मतलब ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ओके और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर एक सप्शन प्रेजेंट है डेट इज मिथाइल ग्रुप, ओके okay? तो इसकी आई पी सी नेमिंग क्या हो जाएगी वन मिथाइल कितने कार्बन हैं फोर कार्बन हैं तो अल्काइल रहेगा ब्यूटाइल ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने आईपीसी नेमिंग कर ली कॉम्प्लेक्स ऑप्शन की ओके दैट इज़ फिफ्थ पोजिशन पर हमें मिला वन मिथाइल ब्यूटाइल और सेवन्थ पर हमें मिला टू मिथाइल ब्यूटाइल ओके तो जब नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हम किसे मैंशन करेंगे वन मिथाइल ब्यूटाइल को या फिर टू मिथाइल ब्यूटाइल को ओके okay, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है मिथाइल यहाँ पर भी है मिथाइल मतलब दोनों मिथाइल मिथाइल है अगर एक इथाइल रहता है दूसरा मिथाइल रहता है तो हम क्या करते अल्फाबेडिकल ऑर्डर में जाते हैं सबसे पहले इथाइल को लिखते फिर मिथाइल को मेंशन करते ओके बट यहाँ पर दोनों ही मिथाइल है ओके तो हम क्या करेंगे हम नंबर को देखेंगे ओके दोनों में से लोवेस्ट नंबर कौन सा है वन इसलिए हम सबसे पहले मैंशन करेंगे वन मिथाइल ब्यूटाइल को ओके तो फिफ्थ पोजिशन पर प्रेजेंट है वन मिथाइल ब्यूटाइल तो यहाँ पर हम पोजिशन मैंशन करेंगे फाइव देन वन मिथाइल ब्यूटाइल ओके देन सेवेंथ पोजिशन पर प्रेजेंट है टू मिथाइल ब्यूटाइल तो यहां पर पोजिशन मैंशन करेंगे सेवन देन टू मिथाइल ब्यूटाइल ओके देन यहां पर देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है ट्वेल्व तो अल्केन क्या रहेगा डो डेकेन नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल ओके तो यहाँ पर देखिए ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ओके तो सबसे पहले हम इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लेंगे ओके देन नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे टुवर्ड द राइट हैंड साइड ओके ओके okay, तो यहाँ पर टेन कार्बन की चेन है ओके okay? और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर एक नॉर्मल ऑप्शन प्रेजेंट है और फिफ्थ कार्बन पर यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स ऑप्शन प्रेजेंट है ओके okay? तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स ऑप्शन की आई पी नेमिंग करेंगे ओके okay? तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन को हम नंबर वन देंगे बिकॉज ये डायरेक्टली मेन चेन से अटैच है ठीक है तो ये रहेगा नंबर वन कार्बन ओके दिस इज सेकंड दिस इज थर्ड ओके तो इस कॉम्प्लेक्स ऑप्शन में ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं ओके तो नेक्स्ट इसकी नेमिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर नेमिंग क्या आ जाएगा फर्स्ट कार्बन पर यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन कॉमा वन डाई मिथाइल देन यहाँ पर थ्री कार्बन है तो क्या रहेगा अल्काइल डेट इज प्रोपाइल ओके देन नेक्स्ट इस कॉम्प्लेक्स ऑप्शन की नेमिंग करेंगे तो इस कार्बन को नंबर वन कार्बन देंगे बिकॉज वो डायरेक्टली मेन चेन से अटैच है दिस इज सेकेंड कार्बन दिस इज थर्ड कार्बन ओके तो ये रहेगा हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ओके okay, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ठीक है तो यहाँ पर नेमिंग क्या आ जाएगा वन कॉमा वन डाई मिथाइल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में थ्री कार्बन है तो अल्काइल क्या रहेगा प्रोपाइल ओके तो यहाँ पर आपने क्या ऑब्ज़र्व किया यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पर यहाँ पर दो सेम कॉम्प्लेक्स ऑप्शन प्रेजेंट है ठीक है तो जब कंपाउंड में दो सेम कॉम्प्लेक्स ऑप्शन प्रेजेंट हो ओके जब दो सेम कॉम्प्लेक्स ऑप्शन प्रेजेंट हो तो आप वर्ड यूज़ करोगे बीस ओके अगर कंपाउंड में थ्री सेम कॉम्प्लेक्स ऑप्शन प्रेजेंट हो ओके तो आप वर्ड यूज़ करोगे त्रीस आपको ये याद रखना है ओके सो so, यहाँ पर फिफ्थ पोजिशन पर दोनों सेम कॉम्प्लेक्स ऑप्शन प्रेजेंट है ओके तो यहाँ पर हम आई नेमिंग लिखेंगे डैट इज़ फाई कॉमा फाई ओके फाई कॉमा फाई यहाँ पर दो बार क्यों डाला मैंने फाइव फाइव बिकॉज यहाँ पर फिफ्थ पोजिशन पर दोनों सेम कॉम्प्लेक्स ऑप्शन प्रेजेंट है दो बार है इसके लिए फाइव कॉमा फाइव डाला ओके देन नेक्स्ट जब दो सेम कॉम्प्लेक्स ऑप्शन प्रेजेंट हो तो आप वर्ड यूज़ करोगे बीस ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीस ओके देन नेक्स्ट जो हमने नेमिंग की आईपीएससी नेमिंग उसे हम लिख देंगे यहाँ पर ब्रैकेट में डेट इज वन कॉमा वन डाई प्रोपाइल तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन कॉमा वन डाई प्रोपाइल ओके तो यहाँ पर बीस का मतलब क्या होता है वन कॉमा वन डाय प्रोपाइल आपके कंपाउंड में दो बार प्रेजेंट है ओके देन नेक्स्ट यहां पर सेकेंड पोजिशन पर एक नॉर्मल ऑप्शन प्रेजेंट है तो उसे भी मैंशन करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे टू देन मैं नीचे लिख देती हूं यहाँ पर डैट इज मिथाइल ओके टू मिथाइल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में टेन कार्बन है तो अल्केन क्या रहेगा डिकेन ओके सो इस तरीके से आप आईपीएससी नेमिंग कर सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑप्शन का सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आई हो अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए